सेक्टर ऐसा है कि, या एक मैं बोलूँगा सेगमेंट ऐसा है कि वो वहीं का वहीं खड़ा रहा, उसके आसपास जितने लोग थे वो सब आगे निकल गए, वो थे सरकारी बैंक। वो एक दूसरे को देखते रह गए, अच्छा हम तो यहीं खड़े हैं, हमारे साथ वाला आईटी भी निकल गया, ऑटो भी चला गया, ऑटो एंसिलरीज भी चला गया, तो वो चलेंगे कभी सरकारी बैंक? कभी चलेंगे? सरकार चलाना चाहती है, उनकी मंशा साफ है ना? उन्होंने कई सारे बैंक को छोटे बैंक बना दिए कि आप मर्ज हो जाओ। अब खबर ये भी है कि उसमें सरकार हिस्सेदारी भी बेचना चाहती है। आज हमारी रिपोर्टर थी मेघना, वो ये बता रही थी सरकार बकायदा एक ड्राफ्ट भी बना रही है और 2025 तक करीब 6 लाख करोड़ रुपया वो मोनेटाइजिंग के लिए तैयार करना चाहती हैं, हिस्सेदारी बेचेंगी जो। तो आप जरा सरकारी बैंकों के बारे में बताइए, आपका इंटरेस्ट है? है पर बड़े में ही उसमें तो। लेकिन बैंकिंग के बारे में मैं कई बार कह चुकी हूँ कि बैंकिंग जो एक उसका मूल रूप है वो मुझे पसंद नहीं है, कि इतना हाईली लेवरेज सेक्टर है और ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको बाहर से मालूम नहीं चल सकता कि कब किस बैंक में कोई नेगेटिव सरप्राइज आएगी, कोई बुरी खबर आएगी, कोई स्केलेटन निकलेगा। तो उसमें अगर अगर ये सेक्टर ऐसा होता कि मार्केट में उसका वेट बहुत कम होता तो मैं उसकी तरफ देखती नहीं। सच्ची बात तो ये है, अब इतना बड़ा वेट है तो बहुत समय तक तो हम लोगों ने बहुत ही कम वेट रखा था, अब वहां से हम लोग काफी ज्यादा ऊपर आए हैं और उसमें थोड़ा चूज ही रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सरकारी बैंक भी है और दूसरे भी है, तो 3-4 बैंक होंगे, लेकिन अभी भी हम लोग काफी अंडरवेट ही होंगे सेक्टर के बना इंडेक्स के बनस्पत। तो वो एक बैंकिंग में बिल्कुल खुल के घुस जाना वो मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि वो बैंकिंग का जो अंदर का पार्ट है वो समझ में आता है। बैंकर रही हूँ और फिर फॉलो भी किया है इतने सालों से, तो वो ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें मतलब लंबे समय के लिए मैं कहूँ कि एकदम आंख बंद करके निवेश कर सकूं। एक्सेप्शन रहते हैं, जैसे कि आपको मालूम है HDFC बैंक हम लोग का बड़ा कॉल रहा था जब से उनका IPO आया था, तो वो 25 साल पहले हमने कहा था कि ये बच्चा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनेगा, वो कवर पे यही था हमारे। पर वो बात अलग है, मतलब ये ऐसा आप अपना क्वेश्चन कवर जरा लीजिएगा, शेयर पर करिएगा सेक्टर के लिए आप नहीं कह सकते कि क्या उसमें खबर आएगी अगले देवना। साल।